Assalamu alaikum dear YouTube Nawaze Urdu YouTube viewers. Today in this session we will discuss about second language English 2023 का क्वेश्चन पेपर कर्नाटक TET की जानिब से लिया गया है. तो आज हम सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करेंगे ऑफिशियल विथ ऑफिशियल क्यू आंसर. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 31. मल्लू थैंक्ड गजराजा बिकॉज ही डिडंट हर्म हिम. गजराज क्वेश्चन नंबर 32. गजराजा टुक मल्लू अपॉन हिम बिकॉज ही वांटेड टू शो द फॉरेस्ट ओनली. क्वेश्चन नंबर 33. व्हेन मल्लू सॉ द बिग एलिफेंट इन द फॉरेस्ट ही वाज डिलाइटेड. गजराजा सन हैड गॉन टू टाउन बिकॉज ही वाज हंगरी. क्वेश्चन नंबर 35. सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट मल्लू लेफ्ट सॉरी मल्लू फेल्ट प्राउड. मल्लू सोल्ड द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन द नियर बाय टाउन. द सुटेबल क्वेश्चन टैग टू बी यूज्ड फॉर द गिवन सेंटेंस इज. कैन मल्लू सोल्ड द फ्रूट्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो सेंटेंस क्या है, किसका क्वेश्चन टैग करना है. क्वेश्चन टैग का रोल क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव और सेंटेंस नेगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. यहाँ क्या बोल रहा, सोल्ड बोल रहा. तो ये सेंटेंस का पास्ट. फर्स्ट वन डिड ही, सेकेंड वन डजंट ही, वाजंट ही, डिडंट ही. तो मल्लू सोल्ड तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नियर बाय द टाउन. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर डिडंट ही. ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 37. वी हैव नो प्लेस टू लाइव. इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन. क्या है, लाइव ए नाउन, इट इज नाउन और एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब. लाइव क्या है, वर्ब. क्वेश्चन नंबर 38. द सिनोनिम फॉर द वर्ड हॉलो यूज्ड इन द स्टोरी इज क्रेटर. नाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम पोयम क्वेश्चंस फ्रॉम 39 to 45. द शेप ऑफ द टीचर्स स्नफ बॉक्स ऑन संडेज वाज राउंड. इफ यू फील एज स्टूपिड एज एन एप द फिगर ऑफ द स्पीच इन द गिवन लाइन इज अलिटरेशन. अलिटरेशन में क्या होता है, वर्ड्स यानी सेम साउंड वाले वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं. यानी को एज स्टूपिड एज एन एप यानी रिपीटेशन ऑफ, इधर क्या रिपीटेशन ऑफ वॉवेल. क्वेश्चन नंबर 41. अ फुटस्टेप्स साउंड इन द पोएम रेफर्स टू द फैक्ट दैट वन अ टीचर हैड लेफ्ट इन द क्लास. द स्टूडेंट वॉकड आउट ऑफ द क्लास. द इंस्पेक्टर लेफ्ट द क्लास. द इंस्पेक्टर हैड राइट. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर द इंस्पेक्टर हैड राइट. क्वेश्चन नंबर 42. इफ द स्टूडेंट्स फेल टू रिमेंबर द आंसर
to the inspector's question. When the student could ask other students for the answer, the student could ask the inspector for the answer. The teacher would show them his snap box. The students could keep quiet without answering. Discuss the option number 3. Question number 43. The poet through the poem wants to convey that one should learn this. One should learn things correctly. Students should always depend on the on their teachers for answer. The earth can have different shapes on different days. School inspector should always ask the same question. Discuss the option. Option number 1. One should learn things correctly. Question number 44. In the poem, if the word show rhythms with the note, then the words square and glad rhythm with the square ka rhythm dena. Declare. Okay. Ab glad ke sath app bhi nahi hoga. Shape glad. ये भी नहीं होगा ग्लेड का सैड सैड तो होगा ग्लेड ग्लेड के साथ अब ग्लेड तो स्क्वायर के साथ नहीं होगा तो तीनों रॉन्ग है तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 स्क्वायर डिक्लेयर ग्लेड लैड इन द पोएम पेडागॉगी इज सिनोनिमस विद द टीचर स्टूडेंट इंस्पेक्टर मॉनिटर तो पेडागॉजी क्या है ये किसका सिनोनिम है एक टीचर का फोर्टी सिक्स से फिफ्टी क्वेश्चन है क्या है पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं 46 स्फूर्ति वॉज प्लांटिंग अ सैपलिंग pedagogy plus grammar a passive form of the above sentences iska hame passive sentence karna hai a sapling is being planted by spurti a sapling was being planted by spurti a sapling has been planted by spurti a sapling was planted by spurti so guys spurti was planting a sapling A sapling यहाँ क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट A sapling है यहाँ तो चार ऑप्शन में A sapling है अब हमें क्या was planting है तो क्या है यहाँ ing form है तो इधर हमें क्या being आना चाहिए सेंटेंस में यहाँ is है लेकिन सेंटेंस है was तो ये भी गया सेकेंड वन was being planted by spurti है यहाँ क्या हैज बीन है ये भी रॉन्ग होगा यहाँ वॉज प्लांटेड बाय एंड बीइंग नहीं है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अ सैपलिंग वॉज बीइंग प्लांटेड बाय स्फूर्ति क्वेश्चन नंबर 47 आदिति थ्रोस डैश 1 रुपी कॉइन into dad dash the river krishna the suitable words to be used in the above sentence are a and the a and a the a to yahan kya ho raha 1 rupees hai hame wo dekhkar hame ye nahi samajhna chahiye ki article ka rule kya hai agar consonant sound hai to kya aata hai a aata aur वोवेल साउंड रहा तो एन आता तो यहाँ क्या है हमें वो देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि ये वोवेल है वोवेल तो है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा अ वो साउंड आ रहा तो इधर क्या है ए आएगा आदिति थ्रोज अ 1 rupee क्वाइन इंटू डैश रिवर कृष्णा तो यह क्या है एक स्पेसिफिक रिवर की बात हो रही तो इधर क्या होगा द आएगा प्रॉपर नाउन द ए द तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 48 द ब्रिज वाज बिल्ट डैश द रिवर द सूटेबल वर्ड टू बी यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस
अक्रॉस, अलोंग, एट, इन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 49, इफ शी हैड रिटर्न होम अर्लियर, डैड डैश आई डैड डैश मेट हर, द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड्स टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक इज। इधर क्या हो रहा सेंटेंस है, इफ कंडीशनल सेंटेंस है इफ क्लॉज का। तो इधर फर्स्ट होना है विल हैव, वी हैव, सॉरी हैव बीन, वुड हैव, वुड हैड, वुड हैव। अगर इफ शी हैड रिटर्न होम अर्लियर आई वुड हैव मेट हर, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। इट इज ईयर्स सिंस आई डैड डैश हिम, ही हैज डैड डैश हिज बेस्ट डेट्स, द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वाज टू बी यूज टू फिल इन फिल द ब्लैंक्स आर सीइंग अ सीन, अ सॉ सीन, अ सीन सॉ, सीज अ सीन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सॉ सीन। इट इज ईयर सिंस आई सॉ हिम, शी हैज सीन हिज बेस्ट डेज। ठीक है, इधर 46 से 50 तक ग्रामर पैटर्न था, अभी 51 से 60 क्या है, इधर पेडागॉजी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, टीचर यूजेस ऑनलाइन ऑडियो डिक्शनरी इन द क्लासरूम टू टीच। टीचर क्या करें, ऑनलाइन ऑडियो डिक्शनरी को यूज करें बच्चों को टीच करते हैं, तो इससे क्या होगा, स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, वर्ड ऑर्डर। तो ये क्या ऑनलाइन ऑडियो, ऑडियो है नी, ऑनलाइन ऑडियो। तो यहाँ क्या हो रहा, ऑनलाइन ऑडियो डिक्शनरी, तो इससे क्या ऑडियो है नी सुनना, इससे क्या स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, हमें स्पेलिंग क्या सिर्फ डिक्शनरी में भी देखो हमें पहचान सकते हैं, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हमें ये मीनिंग भी क्या है डिक्शनरी में देखो हमें मीनिंग ढूंढ सकते हैं, वर्ड ऑर्डर के लिए भी हमें क्या ऑडियो डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, क्या प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड है नी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, हमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में क्या है हमें कुछ अलग ही प्रोनाउंस करते हैं लेकिन उसका असल प्रोनाउंसिएशन ही अलग होता है। तो इधर टीचर क्या करें ऑनलाइन ऑडियो डिक्शनरी को यूज़ कर रही है, तो इससे क्या होगा बच्चों को पता चलेगा कि वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52, द फुल फॉर्म ऑफ STH फाउंड इन द डिक्शनरी एंटिटाइड स्टैंड फॉर। तो ये किस लिए स्टैंड होता, समथिंग और सब्जेक्ट, सुपरलेटिव, समवन। STH स्टैंड फॉर समथिंग, जैसे फॉर हम एग्जाम्पल के लिए इजी इज दैट, जैसे इसको तो वो भी इस तरीके से STH यानी समथिंग। क्वेश्चन नंबर 53, कोऑर्डिनेट इज एन एंट्री फाउंड इन अ डिक्शनरी फॉर द वर्ड कोऑर्डिनेट, द अंडरलाइन एंट्री इज, द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, द प्रोनाउंसिएशन इंक्लूडिंग सिलेबल, स्ट्रेस, ग्रामेटिकल फंक्शन, मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो ये क्या है, ये सिर्फ स्पेलिंग ऑफ द वर्ड तो नहीं है, कोऑर्डिनेट ये भी रॉन्ग है, ग्रामेटिकल फंक्शन ये भी नहीं है, मीनिंग ऑफ द वर्ड बिल्कुल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन इंक्लूडिंग सिलेबल स्ट्रेस, सिलेबल और स्ट्रेस भी है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फैसिलिटेटिंग अ प्रोज लेसन बाय द टीचर इज, फर्स्ट वन एंगेज, इवेलुएट, एक्सप्लेन, एक्सपेंड, एक्सप्लोर, सेकेंड वन एंगेज, एक्सप्लेन, इवेलुएट, एक्सप्लोर, एक्सपेंड, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेंड, एक्सपेंड, इवेलुएट, एंगेज, एक्सपेंड, एक्सप्लोर, इवेलुएट, एक्सप्लोर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सपेंड, इवेलुएट। ये क्या है KRTT और CET का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको क्या है कंफ्यूज नहीं हो,
क्वेश्चन नंबर 55, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, यूज ऑफ गुड वॉइस ओनली, यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज ओनली, कैजुअल लिसनिंग। तो मैं क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, यहाँ सिर्फ यूज ऑफ गुड वॉइस से भी नहीं चलेगा, इससे क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज ओनली ये भी नहीं होगा, कैजुअल लिसनिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहना बोले तो हमारे क्या है, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज दोनों भी क्या है, इफेक्टिव रहे, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 56, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड देयर प्रोडक्शन एंड द स्क्रिप्ट इज, वन सिंटैक्टिक, ट्रांसक्रिप्शन, सिक्वेंसिंग, फोनेटिक्स। तो यहाँ क्या है, बात क्या है साउंड की, स्पीच स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, तो इसे कैसा याद रखना, अगर हमें जब फोन में बात करते हैं तो हमें क्या आवाज आता है, साउंड आवाज, साउंड सुनाई देता, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू बी ब्रेव इन राइटिंग इज एनहांस्ड, देन ही हैज अटेंड द स्किल ऑफ एडिटिंग, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, फॉर्मेटिंग। जब एक स्टूडेंट को क्या है, एक लेसन वगैरह पढ़ने के बाद उसके अंदर क्या है, उसको ब्रीफ करने की एबिलिटी आती है, तो वो क्या है, एडिटिंग है या पैराफ्रेजिंग है, समराइजिंग है, परमिटिंग, तो क्या है, समराइजिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, प्रैक्टिस ऑफ मिनिमल पेस बीन इज यूज्ड टू डेवलप द डैडेस स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। द रोल, क्वेश्चन नंबर 59, द रोल प्ले एक्टिविटी हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, एक्यूरेसी इन राइटिंग, कैजुअल लिसनिंग, लेक्सिकल कॉम्पिटेंस। तो यहाँ क्या बात हो, रोल प्ले की बात हो रही है, रोल प्ले में क्या है, बच्चे को बात करना पड़ता है, स्पीकिंग करना पड़ता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है एक्यूरेसी इन राइटिंग, रोल प्ले में राइटिंग का कोई रोल नहीं रहता, कैजुअल लिसनिंग, लिसनिंग तो बाकी हेल्प करते हैं, लेकिन जो रोल प्ले बच्चा करता है उसमें क्या है, स्पीकिंग करना पड़ता है, यहाँ क्या लेक्सिकल कॉम्पिटेंस है ये भी नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। लास्ट क्वेश्चन, द टीचर कंडक्ट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, एट द एंड ऑफ द एवरी सेमेस्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, थ्रू द एकेडमिक ईयर, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर।